जब पहली बार मुझे यहाँ बुलाया ग्लोबल विज़न के प्रोग्राम में, तो मुझे लगा कि कोई एक बुढ़ा सा आदमी होगा और उसके पास में उसकी पुरखों की बहुत सारी जायदाद होगी जिसे वो लुटाना चाहता है। क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि जिस आदमी ने 5 साल में 6 करोड़ रुपये कैंसर पेशेंट्स के लिए दिए, जो आज करीब करीब 40 लाख रुपये बांटने वाले हैं। लेकिन जब मैं वहाँ आया और मैंने देखा कि एक बिल्कुल यंग सा आदमी, उन्होंने एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। हमारी यंगर जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो आज भी इतने सक्रिय हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कैंसर दोस्तों एक ऐसा रोग है जो किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसका कारण जो है वो 20 से 22% ये है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ही सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो एक खिलाड़ी बनिए, खिलाड़ी की भावनाओं को अपनाइए और इन चीज़ों से दूर रहिए और कैंसर मुक्त जीवन व्यतीत करिए। चक दे।